जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन लेकर फिर से हाजिर हो चुका हूं। आज का जो प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है वो हिंदी का प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है, और प्रीवियस में जितने भी आपके ड्राइवर और ट्रेड्समैन के जो एग्जाम हुए हैं जिनमें जो पूछे गए क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। सभी को जय हिंद राम राम। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई, फटाफट और दबा के शेयर कर दो, जल्दी से आ जाओ भाई। सभी काफी अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊं, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड है और प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सभी को जय हिंद राम राम। बिल्कुल सर मेरा रनिंग निकल गया है, बहुत अच्छी बात है, रनिंग निकल गया है तो रिटर्न की तैयारी शुरू कर दो। बीएसएफ ट्रेड्समैन का फाइनल रिजल्ट आ चुका भाई 2021 वाली भर्ती का, और आपको पता है 250 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ इस बार हमारे वर्दी बैच से 2021 वाले से। अभी भी आप लोगों के पास में समय है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट आए हुए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको फोर्स में जाना है तो इससे बेहतरीन मौका आपको फिर से नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल टारगेटेड हो जाएगा, जुलाई अगस्त तक सभी ट्रेडमैन के एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएंगे और दिसंबर तक आपको वर्दी मिल जाएगी भाई। बिल्कुल सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग, अभी भी आप लोगों के पास में समय है। टारगेटेड अगर आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। आपको पता है बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो लगातार तीन तीन चार चार साल से तैयारी करते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं दो तीन महीने तैयारी करके सिलेक्शन ले लेते हैं, यही कारण होता है कि वो टारगेटेड तैयारी करते हैं। कम समय में दोस्तों आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आपको मैनुअली वही चीजें पढ़नी है जो आपके लेवल तक है, आपके सिलेबस में है और आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। उन चीजों को आप इतना मजबूत कर लो, इतना बेहतरीन कर लो कि अगर उनमें से क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 80 प्लस आप आराम से स्कोर कर लेंगे भाई ट्रेड्समैन में। बिल्कुल शेयर कर दो सभी, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई। बिल्कुल सर ये सीआरपीएफ के लिए, बिल्कुल सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी सभी ट्रेडमैन के लिए क्लास इंपोर्टेंट है भाई। और अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो एसएसबी ट्रेड्समैन के लिए हमारा न्यू फ्रेरी बैच है भाई, जिसमें बिल्कुल टारगेटेड तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। जिनको मैथ से डर लगता है, क्योंकि देखो सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन तीन सब्जेक्ट पर बेहतरीन तरीके से पकड़ करनी होगी। फोर्सेज में अगर आपको भर्ती होना है, तीन सब्जेक्ट पर अगर आपकी पकड़ है तो आप किसी भी एग्जाम को आप बहुत ही आसान तरीके से क्रैक कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो बीएसएफ ट्रेडमैन में भी सिलेक्शन हुआ है और एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन हुआ है, तो यही कारण है वो टारगेटेड तरीके से पढ़ते हैं और तीन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं और उनमें वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसी को टारगेट लेके ही दोस्तों इन सारे बैचों में पढ़ाया जा रहा है। अगर आप एसएसबी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल पास कर रहे हैं, तो इससे बड़ा मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा। 2020 का रिक्रूटमेंट है, बहुत कम कंपटीशन है, भर्ती होने का मौका आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर ये हाथ से निकल गया तो दोस्तों फिर आपको नौकरी के लिए बहुत तरसना पड़ सकता है, क्योंकि इतना कम कंपटीशन आपको किसी रिक्रूटमेंट में देखने को नहीं मिलेगा भाई। उसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का 9000 पदों का रिक्रूटमेंट है और 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक एग्जाम है। अभी भी समय पड़ा आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल टारगेटेड तैयारी कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, शॉर्टली पढ़ने के लिए पीडीएफ नोट्स, और आप सभी को पता है एग्जाम ऑनलाइन होगा, जब तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं देंगे स्कोर को जंप नहीं करवा पाएंगे, इसलिए ऑनलाइन टेस्ट देना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल रहेंगे और सब कुछ नए पैटर्न पर है, तो अभी जाके आप फौजी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन के 2023 की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा नया वर्दी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल पास कर रखा है तो न्यू AK-47 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी सभी कोर्सों पर भारी ऑफर चल रहा है, मात्र 399 रुपए मिल जाएगा। एग्जाम तक आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, इसमें मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्ले स्टोर पे जाके आप बेस्ट एग्जाम भी सर्च कर सकते हैं भाई। बिल्कुल अब पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है भाई। पहला क्वेश्चन आ चुका है, टारगेट याद रखना भाई, हिंदी का टारगेट जो लेकर रहते हैं, लेकर चलते हैं, वो 22 प्लस का टारगेट लेके ही आपको चलना पड़ेगा हिंदी में। ये हिंदी वो सब्जेक्ट है जो आपका फाइनल सिलेक्शन करवाएगा। आज जिनका रिजल्ट आया बीएसएफ में, जो फिजिकल पास थे, रिटर्न भी पास थे, मेडिकल भी पीट थे, लेकिन फाइनल मैट लिस्ट में 1 या 2 नंबर से रह गए, उन बच्चों को पूछो कि ये 22 प्लस का जो आपका स्कोर है यहां पर, अब वो सोच रहे हैं कि मैं भी, अगर मेरा भी 22 प्लस अगर हिंदी में स्कोर हो जाता तो मेरा भी फाइनल सिलेक्शन हो जाता, मैं 1 नंबर से रह गया गुरुजी, मैं 2 नंबर से रह गया। बहुत ज्यादा बच्चे कमेंट करते हैं, लेकिन जो तैयारी की हुई है उनकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी, नए रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा। जो गलतियां उन्होंने की है उन गलतियों को सुधारना है बस, सिलेक्शन बहुत नजदीक है भाई आपके। अब फटाफट एक बार भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सेशन को शेयर करते रहो भाई साथ साथ में, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। सेशन को शेयर करते रहिएगा साथ साथ में।
बिल्कुल पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई, फटाफट बता देना, पूछा गया क्वेश्चन है, पूरे के पूरे क्वेश्चन है, ये एरर वाला क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पूछा गया यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो आपका उत्तर डी होगा, मतलब इस वाक्य में आपको बताना है कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, किस भाग में गलती है, वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर गलती नहीं है तो आपको डी करना है भाई। देखो ऑप्शन ए आप देख लीजिएगा, बिल्कुल मैंने ज्वाइन किया सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मेहनत करो भाई। ऑप्शन ए आपका, जो लेखक बनना चाहते हैं वह भाषा पर ध्यान रखे। ऑप्शन डी आपका, कोई त्रुटि नहीं है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है या गलती है वही आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट बता दो, एक भी बच्चे का गलत नहीं आना चाहिए। देखो काफी बच्चे गलत दे रहे हैं, वह भाषा पर ध्यान रखे, जो लेखक बनना चाहते हैं वह भाषा पर ध्यान रखे, कोई त्रुटि नहीं है। पूछा गया क्वेश्चन है, देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन काफी बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। एक दूसरे का देख के अगर आप आंसर दोगे तो गलत आ रहा है, अशोक जाट का बिल्कुल सही आया है, एक ही बच्चे ने सही आंसर दिया। अब पूछते हैं आप कि सर सबसे हाई कट ऑफ किसकी जाएगी, राजस्थान की क्यों जाती है? देखो राजस्थान के बच्चे मेहनत करते हैं, एक ही बच्चे ने सही आंसर दिया, बाकी सभी बच्चों ने एक दूसरे का देके गलत आंसर दे दिया, तो इसलिए कट ऑफ तो भाई हाई जाएगी, क्योंकि मेहनत करते हैं बच्चे, वहां से मेहनत करेंगे तो कट ऑफ हाई जाएगी, वहां पर कंपटीशन ज्यादा रहेगा, तो इसलिए मैं बोलता हूं एक बच्चे का सही आंसर है। इसका राइट आंसर होगा बी, क्या होगा? बी होगा, सी जो बता रहे हैं वो सभी गलत बता रहे हैं, सभी का आंसर गलत आया, पहला क्वेश्चन गलत कर दिया भाई लगभग 90% बच्चों ने। ऐसा ही पेपर आएगा आपका एग्जाम में, सेम ऐसा ही पेपर मिलेगा हिंदी में। इसका राइट आंसर होगा बी, यहां पर होगा जो लेखक बनना चाहते नहीं होगा, जो लेखक बनना चाहता है, जो लेखक बनना चाहता है वह भाषा पर ध्यान रखे, तो यहां पर आप देखिए गलती कहां पर है, गलती भाई बी में, चाहते नहीं होगा, चाहता होगा, बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल अहम वर्मा मैंने तो सही आंसर दिया था, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने सही दिया बहुत अच्छी बात है, बाकी एक दूसरे का देख के अगर आप आंसर देंगे तो भाई आप क्वेश्चन गलत करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, फटाफट बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है विलोम शब्द, क्या पूछा है? विलोम शब्द पूछा है, निम्न में से सही विलोम शब्द बताओ। हितेशी, हितेशी का क्या बताना है? विलोम बताना है, उल्टा बताना है। क्या बताना है? विलोम बताना, आपको उल्टा बताना है। ऑप्शन ए आपका अंतरंग, ऑप्शन बी आपका दुष्ट, ऑप्शन सी आपका द्वेषी, ऑप्शन डी आपका निर्गुण। क्या होगा भाई? हितेशी का क्या बताना आपको? हितेशी का क्या बताना? विलोम बताना है, उल्टा बताना है, याद रखना भाई। 22 प्लस का टारगेट देखते हैं आज कितने बच्चे पूरा कर पाते। ओरिजिनल पेपर लेके आऊं, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन होंगे जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। बाकी देखो कंपटीशन लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल कम से कम 3 से 4 नंबर बढ़ रहा है भाई, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं टाइम के अकॉर्डिंग चलो, टाइम के अकॉर्डिंग मेहनत करो, तो अगर आप टारगेटेड तरीके से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप अच्छा स्कोर कर लेंगे भाई। बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चों का सी आ रहा है, काफी बच्चों का बी भी आ रहा है भाई। सेशन को शेयर भी करते रहो, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा, सेशन को शेयर भी करते रहो, ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है। क्या होगा भाई? हितेशी का क्या हो जाएगा भाई? सी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो अभी भी कुछ बच्चे ए बता रहे, ए नहीं होगा भाई, ए नहीं होगा, सी राइट आंसर होगा। याद रखना हितेशी का उल्टा क्या होगा? द्वेषी होगा। क्या होगा? द्वेषी होगा। एक तो हितेशी होता है जो हित के हित में सोचता है, एक द्वेषी होता है जो क्या करता है, उसके बारे में बुरा सोचता है। तो इसका क्या हो जाएगा? हितेशी का उल्टा क्या हो जाएगा? द्वेषी हो जाएगा। सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है भाई जिनका सी आया है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षक का विलोम बताना है। क्या बताना है? शिक्षक का विलोम बताना है, उल्टा बताना है। शिक्षक का क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है, उल्टा बताना है। ऑप्शन ए आपका अशिक्षा, ऑप्शन बी आपका शिक्षा, ऑप्शन सी आपका शैक्षिक, ऑप्शन डी आपका शिक्षार्थी। बताओ भाई शिक्षक का क्या बताना है? शिक्षक का क्या बताना है? उल्टा बताना है, विलोम बताना है, विलोम शब्द बताना है। बताओ, पूरा का पूरा आया हुआ पेपर है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो भाई आप कंपटीशन से बाहर हो रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूं टारगेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। हिंदी को अगर इजी में ले लिया तो भाई सिलेक्शन से दूर जाओगे, इसलिए हिंदी को बिल्कुल इजी में नहीं लेना है। 22 प्लस का टारगेट करना है तो बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे भाई। बताओ जल्दी से। अजय मास्टर सर कितने बजे लेक्चर शुरू हो जाता है एप्लीकेशन पर? सुबह 11 बजे शुरू हो जाता है, शाम तक चलता है भाई, अलग अलग टाइम चलता है, पूरा शेड्यूल मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। बताओ फटाफट बता दो भाई, सी आ रहा है काफी बच्चों का, कुछ का बी आ रहा है, देखो डी बता रहे कुछ, शिक्षार्थी बता रहे कुछ, सी बता रहे, शैक्षिक बता रहे, देखो गलत बता रहे भाई काफी बच्चे। देखो शिक्षक क्या होता है? जो शिक्षा देता है। क्या देता है? शिक्षा देता है। तो एक तो शिक्षा देने वाला है होता है, एक शिक्षा ग्रहण करने वाला है। तो शिक्षा कौन देता है? शिक्षक देता है। शिक्षा ग्रहण कौन करता है? शिक्षार्थी करता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जिन्होंने डी दिया उनका सही है, बाकी जो ए बता रहे अशिक्षा नहीं होगा भाई,
अशिक्षा नहीं होगा, अगर शिक्षा होता तो अशिक्षा कर देते चल जाता, लेकिन यहाँ पर बात शिक्षक की हो रही है। शिक्षक का मतलब होता है शिक्षा देना, और शिक्षा ग्रहण कौन करता है? जो शिक्षक होता है वो शिक्षक शिक्षा देने का काम करता है, शिक्षार्थी क्या करता है? शिक्षा लेने का काम करता है। तो उल्टा ही पूछा गया है तो उल्टा आपका शिक्षार्थी हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है भाई जिनका डी आया है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। ये जंगम का विलोम एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार एसएससी में भी पूछा गया है, ट्रेडमैन में भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है कि जंगम जो शब्द है, जंगम शब्द का क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है, उल्टा बताना है। ऑप्शन ए आपका शांत, ऑप्शन बी आपका स्थावर, ऑप्शन सी आपका धावक, ऑप्शन डी आपका अनिश्चित। क्या बताना भाई? जंगम जो शब्द है, जंगम जो शब्द है उसका विलोम बताना है, उल्टा बताना है। बताओ देखे फटाफट, और भाई सेशन को शेयर भी करते रहो, कम से कम 200 प्लस बच्चे तो होने चाहिए भाई आज के सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में हिंदी में कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, तभी तो आप तैयारी कर पाएंगे ना। जब आपको पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन आते आखिर कहां से, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे आप तैयारी करेंगे, कैसे अपने स्कोर को जंप करवा पाएंगे। इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आता हूं, बाकी रेगुलर जो आपकी टॉपिक वाइज क्लास है वो एप्लीकेशन पे चलती है हमारी सुबह से शाम तक। बिल्कुल देखो, काफी बच्चों का बी आ रहा भाई, काफी बच्चों का बी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो राइट आंसर बी हो जाएगा, जंगम का रट लेना भाई, बहुत बार पूछा गया, आगामी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। सीआईएसएफ ट्रेडमैन हो चाहे ड्राइवर हो, एसएसबी सीआरपीएफ आईटीबीपी सभी के लिए, बीएसएफ सभी के लिए इंपोर्टेंट है भाई। जंगम का क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा, स्थावर, बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने। अब देखो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो सकता है ये पैसेज के थ्रू हो सकता है आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाए। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह रिक्त स्थान व्यवहार से किसी को अपमानित न करे। रिक्त स्थान में क्या आने वाला है भाई? ऑप्शन ए आपका निज, ऑप्शन बी आपका किसी, ऑप्शन सी आपका अपने, ऑप्शन डी आपका स्वयं। क्या होगा भाई? मनुष्य को चाहिए कि वह रिक्त स्थान व्यवहार से किसी को अपमानित न करे। तो ये आपका रिक्त स्थान दिया गया, इसमें कौन सा शब्द आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आप तभी सही कर पाएंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे भाई। बताओ काफी बच्चों का बी आ रहा भाई, काफी बच्चों का सी भी आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे ए भी बता रहे हैं, बी सी ए सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है भाई। बताओ मनुष्य को चाहिए कि वह किसी व्यवहार से, बी कैसे बता रहे हैं? गलत बता रहे हैं, निज बता रहे वो भी गलत बता रहे हैं। राइट आंसर होगा इसका सी, जिन्होंने सी दिया बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है? शब्द को उठाना है, रिक्त स्थान में पुटअप करना है और फिर उसका अर्थ निकालना है। अगर सही से वो अर्थ दे रहा है तो वही राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर होगा मनुष्य को चाहिए कि वह अपने व्यवहार से किसी को अपमानित न करे, अपने व्यवहार से किसी को अपमानित ना करे, सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी भी काफी बच्चे डी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, वो भी गलत बता रहे हैं। राइट आंसर इसका सी होगा, पूछा गया क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने आ चुका है। रिक्त स्थान में क्या आएगा भाई? क्या आएगा? बच्चा रोते रोते चुप हो गया, बच्चा रोते रोते, ये आपका रिक्त स्थान है भाई। बच्चा रोते रोते रिक्त स्थान चुप हो गया, रिक्त स्थान में क्या आएगा भाई? अपने आप चुप हो गया, आप चुप हो गया, आपसे चुप हो गया, या फिर अपना चुप हो गया, क्या आएगा भाई रिक्त स्थान में? फटाफट बता दो भाई, सभी के कमेंट देख रहा हूं। देखते हैं आज 22 प्लस का टारगेट कितने बच्चे पूरा करते हैं, मतलब इस पेपर में अगर आपने 22 प्लस का टारगेट पूरा कर लिया अपनी ईमानदारी से, तो आप एग्जाम में भी आराम से 22 प्लस का टारगेट पूरा कर लेंगे भाई। बिल्कुल बताओ, देखे ए बता रहे, कुछ बच्चे बी बता रहे, कुछ सी बता रहे, सभी के कमेंट आ जाने चाहिए भाई, सभी के कमेंट आ जाने चाहिए भाई, बहुत अच्छी बात है। ए बता रहे भाई काफी बच्चे, सभी का अलग अलग आ रहा है, कुछ बी बता रहे। देखो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ए दिया उनका बिल्कुल सही है। क्या होगा? बच्चा रोते रोते अपने आप चुप हो गया, कैसे? अपने आप चुप हो गया, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल सही आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। आपको क्या बताना है भाई? सही वाक्य है, इनमें से सही वाक्य कौन सा है वह वाक्य आपको चुनना है भाई। पूछा गया क्वेश्चन है, एरर वाला क्वेश्चन है भाई, इनमें से सही वाक्य कौन सा है
ऑप्शन ए आपका, हम अपनों की पुस्तकें बेचते हैं। ऑप्शन सी आपका, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। ऑप्शन डी आपका, हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं। सही वाक्य बताना है, इनमें से सही वाक्य कौन सा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। फटाफट बता दो, देखे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दो भाई। काफी बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। ए बता रहे, कुछ बी बता रहे, कुछ सी बता रहे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं, ये भी गलत है भाई। हम अपनों की पुस्तकें बेचते हैं, ये भी गलत है। हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, ये बिल्कुल सही है। हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं, ये भी गलत है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जिन्होंने सी दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने आ चुका है और ये लोकोक्ति का क्वेश्चन है भाई। क्या है? लोकोक्ति का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? आम के आम गुटलियों के दाम। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है भाई। लोकोक्ति, मुहावरे, कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे भाई। किसी भी, चाहे सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीआईएसएफ की कर रहे हैं, एसएसबी की कर रहे हैं, आईटीबीपी की कर रहे हैं या बीएसएफ की कर रहे हैं, सभी में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे भाई। बताओ देखे, ऑप्शन ए आपका बिना मेहनत काम निकालना, ऑप्शन बी आपका सिर्फ लाभ ही देखना, ऑप्शन सी आपका हानि लाभ बराबर होना, ऑप्शन डी आपका दोहरा फायदा होना। आम के आम गुटलियों के भी दाम, क्या होगा भाई? बहुत अच्छी बात है, एक बच्चे का सही आंसर आया भाई अभी तक। काफी बच्चे गलत बता रहे भाई। इतना इजी क्वेश्चन आप गलत कैसे बता रहे हो? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आम के आम गुटलियों के दाम। आम के आम और गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ होना। क्या होना? दोहरा लाभ होना। डी जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा भाई, बिल्कुल। सी बता रहे वो गलत बता रहे, हानि लाभ बराबर होना ऐसा नहीं होगा। आम का आम, आम के तो आम है ही, और गुठलियों के भी दाम हो रहे, इसका मतलब उनको दोहरा लाभ हो रहा है। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। जिन्होंने डी दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने आ चुका भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये पूछा गया है मुहावरा। पिछला आपका लोकोक्ति था, इस बार आप लोगों का मुहावरा पूछा गया है, बालू से तेल निकालना। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ होगा भाई। ऑप्शन ए आपका शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, ऑप्शन बी आपका असंभव कार्य करना, ऑप्शन सी आपका पूर्णतः स्वस्थ होना, ऑप्शन डी आपका बहुत साधन संपन्न होना। क्या होगा भाई? बालू से तेल निकालना, मिट्टी से तेल निकाल लेना, मिट्टी से क्या करना? तेल निकाल लेना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? फटाफट बता दो भाई, सभी के आंसर सही आ जाने चाहिए भाई, बिल्कुल। अभी भी काफी बच्चे बी बता रहे, काफी बच्चे डी भी बता रहे। देखो राइट आंसर, बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चों का सही आंसर आया है, बहुत अच्छी बात है भाई। राइट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। असंभव कार्य करना मतलब बालू से, बालू का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी से तेल निकाल लेना मतलब असंभव कार्य कर देना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जिन्होंने बी दिया है बहुत अच्छी बात है, बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने आ चुका है और ये पूछा गया भाई पर्यायवाची, पर्यायवाची पूछा गया, और पिछले एग्जामों में जितने भी बार बार जो रिपीट होने वाले पर्यायवाची है वही लेके आया हूं। बाकी एप्लीकेशन से आप तैयारी कर रहे हैं तो इंपोर्टेंट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम उस पे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। कोर्स अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है भाई, केतु। किसका भाई? केतु का पर्यायवाची शब्द होगा। केतु जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आपका झंडा, ऑप्शन बी आपका आचार्य, ऑप्शन सी आपका किरण, ऑप्शन डी आपका दिशा। क्या होगा भाई? केतु का क्या पूछा है? पर्यायवाची पूछा है। देखते हैं कितने बच्चों की तैयारी है, कितने बच्चों का आंसर सही आता है। बहुत अच्छी बात है भाई, अंकुश यादव ने बहुत बढ़िया आंसर दिया भाई, राधेश्याम बघेल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बाकी दीपांकर हिंदुस्तानी बिल्कुल सही है भाई, राधेश्याम का सही है, ए बता रहे काफी बच्चे, बहुत अच्छी बात है, काफी सी भी बता रहे, काफी बी भी बता रहे। देखो राइट आंसर क्या होगा? केतु का मतलब होता है, केतु का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची का मतलब यही होता है कि समानार्थी शब्द, समान अर्थ देने वाले। इसका मतलब केतु का मतलब होता है झंडा। क्या होता है? झंडा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना इंपोर्टेंट है भाई, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लेके आया हूं मैं, काफी क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे एग्जाम में। केतु का पर्यायवाची शब्द क्या है? झंडा है। ए राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बिल्कुल गुरु जी। अगला क्वेश्चन देख लो भाई,
क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, वहीं से उठा के लेके आया हूं। निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है, पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह बताना है। मतलब दोस्तों पुत्री शब्द के जितने भी पर्यायवाची हैं आपको पता होंगे सारे, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। और ये अच्छी बात है कि ये ट्रेडमैन में पूछा गया क्वेश्चन है, वहीं से उठा के लेके आया हूं। अब देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए आपका अचला, वसुधा, बेटी, लड़की। ऑप्शन बी आपका सूता, लाली, अचला, वसुमती। ऑप्शन सी आपका अबला, तरुणी, श्याम, कांता। ऑप्शन डी आपका तनैया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा। क्या होगा भाई, पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह बताना है। बताओ देखिए फटाफट भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल डी बता रहे हैं काफी बच्चे डी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, डी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, राइट आंसर आपका डी ही होगा। देखो पुत्री शब्द का पर्यायवाची होता है यहाँ पे तनिया भी होता है, आत्मजा भी होता है, नंदिनी भी होता है, तनुजा भी होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात भाई, काफी बच्चों ने डी दिया है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। 16 वर्ष की जो स्त्री होती है उसे वाक्यांश के एक शब्द में क्या कहेंगे भाई, पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका षोडशी, ऑप्शन बी आपका बालिका, ऑप्शन सी आपका संयमी, ऑप्शन डी आपका कोई नहीं। बताओ देखे 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री को वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो देखिए फटाफट भाई। बहुत अच्छी बात है, देखो अभी भी कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं, बी बता रहे, कुछ डी बता रहे, कुछ सी बता रहे, सही बताने वालों की संख्या कम है भाई। ए होगा गुरुजी, बिल्कुल सही है भाई, ए बताया उनका बिल्कुल सही है। देखो षोडशी बोला जाता है, 16 वर्ष की अवस्था वाली जो स्त्री होती है उसे क्या बोला जाता है, उसे षोडशी बोला जाता है। याद रखना आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जाता है, षोडशी बोला जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, किए गए उपकार को न मानने वाला कहलाता है। किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है। ऑप्शन ए आपका कर्तज्ञ, ऑप्शन बी आपका नास्तिक, ऑप्शन सी आपका अविश्वसनीय, ऑप्शन डी आपका कर्तज्ञ। किए गए उपकार को न मानने वाला, किसी पर उपकार किया जाता है वो उपकार उस उपकार को नहीं मानता है तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे भाई, किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ भाई। बी बता रहे कुछ बच्चे नास्तिक बता रहे, नास्तिक कैसे बता रहे भाई, गलत बता रहे शोक जाट, बी गलत बता रहे, नास्तिक नहीं होगा। नास्तिक अलग चीज होती है, आस्तिक अलग चीज होती है भाई, आस्तिक और नास्तिक अलग चीज होती है। नास्तिक का मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक बोलते हैं। नास्तिक गलत बता रहे आप, बी बता रहे गलत बता रहे। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुछ बच्चों ने सही आंसर बताया भाई, दीपांकर का बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छी बात है। राइट आंसर डी होगा, क्या होगा, डी होगा। याद रखना किसी किए गए उपकार को न मानने वाला, अगर किसी पर उपकार किया जाता है और वो उस उपकार को नहीं मानता है तो उसे कर्तज्ञ कहा जाता है। अगर किसी पर उपकार किया जाता है और वो उस उपकार को मान लेता है कि हाँ आपने मेरे पर उपकार किया है तो उसे कर्तज्ञ कहलाता है। तो याद रखना कर्तज्ञ और कर्तज्ञ दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, उल्टा है हमेशा। कई बार विलोम शब्द में भी पूछ लिया जाता है कि कर्तज्ञ का विलोम क्या होगा, तो कर्तज्ञ का विलोम कर्तज्ञ होता है। किसी पर किए गए उपकार को न मानना कर्तज्ञ कहलाता है, किसी पर किए गए उपकार को मान लेना कर्तज्ञ कहलाता है। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए भाई, बिल्कुल। क्या होगा राइट आंसर, डी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने आ चुका भाई, बहुत बार पूछा गया भाई, किसका पूछा है, इप्सित का। इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा, इप्सित जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा भाई, बता दो देखिए। इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा, इप्सित शब्द का विलोम या उल्टा क्या होगा भाई। ऑप्शन ए आपका कुत्सित, ऑप्शन बी आपका अभिप्सित, ऑप्शन सी आपका अधिप्सित, ऑप्शन डी आपका अनिप्सित। बताओ भाई इप्सित शब्द का विलोम बताना है, उल्टा बताना है, पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बता दो देखिए फटाफट भाई।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता दीजिएगा फटाफट। दीपांकर हिंदुस्तानी का, बिल्कुल भाई सारे क्वेश्चनों के बच्चे ने सही आंसर दे रहे, बाकी काफी बच्चों का गलत आ रहा है, लगभग 80% बच्चे गलत आंसर दे रहे, 80% से ज्यादा बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। अब देखो सिलेक्शन लेने वाले यही बच्चे होते, आप में से ही है ये जो सही आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग जा रहे हैं। देखो राइट आंसर क्या होगा भाई, डी होगा इसका, डी होगा, जिन्होंने डी दिया है बहुत अच्छी बात है। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है, क्या होता है अनिप्सित होता है, इप्सित का विलोम क्या होगा अनिप्सित होगा, राइट आंसर क्या होगा डी होगा, जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल अच्छी बात है, डी राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने आ चुका भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अनुलोम, किसका पूछा भाई अनुलोम शब्द का सही विलोम होगा, अनुलोम जो शब्द है उसका सही विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा क्या होगा भाई। ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने हैं, ऑप्शन ए आपका लोम, ऑप्शन बी आपका अवलोम, ऑप्शन सी आपका प्रतिलोम, ऑप्शन डी आपका अविलोम। बताओ भाई अनुलोम जो शब्द है, अनुलोम जो शब्द है उसका विलोम बताना है, उल्टा बताना भाई, बता दो देखिए फटाफट। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई, जिनका सही है उनका बहुत अच्छी बात है, बाकी एक दूसरे का देख के बिल्कुल आंसर नहीं देना है, एक दूसरे का देख के आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं देना है, आप गलती कर रहे हैं। अगर एक दूसरे का देख के अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं भाई, बिल्कुल गलत नहीं करना है। सी बता रहे काफी बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, बहुत अच्छी बात है भाई, सी बता रहे, अभी भी कुछ बी बता रहे। देखो राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, अनुलोम का क्या होगा प्रतिलोम होता है, अवलोम नहीं होता, क्या नहीं होता अवलोम नहीं होगा, अवलोम भी नहीं होगा और अविलोम भी नहीं होगा, क्या होता है अनुलोम का प्रतिलोम होता है, क्या होता है प्रतिलोम होता है, सी जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही है। अब ये देखने में आपको इजी लगते हैं लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कंफ्यूज होकर गलत बता देंगे। अक्सर एग्जाम में होता है पेपर देते हैं बाहर आते हैं पता चलता है कि मेरे 80 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं सर, मेरे 85 बैठ रहे हैं, मेरे 90 बैठ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं उनको यही बोलता हूं कि आपका सिलेक्शन, अगर आपके 75 प्लस स्कोर जा रहा है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब आंसर की आती है तो वही बच्चे कॉल करते हैं सर 55 नंबर बढ़ रहे हैं क्या सिलेक्शन हो जाएगा, अक्सर ऐसा होता है, कंफ्यूज होके काफी क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल आपको नहीं होना है, प्रैक्टिस करनी है और जितने आपको लगता है कि एक्यूरेसी जितनी अच्छी आएगी उतना ही आपका स्कोर जंप करेगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, अब देखो कहां से क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर देखो ये पूछा गया ट्रेडमैन में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो रेलगाड़ी जो शब्द है, रेलगाड़ी जो शब्द है वो कैसा शब्द है भाई, तत्सम शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है या फिर संकर शब्द है, ये पूछा गया शब्द है भाई, ये पढ़ने पड़ेंगे आपको, तत्सम तद्भव देशज विदेशज ये पढ़ने पड़ेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है अक्सर एग्जाम में ट्रेडमैन में, इसलिए मैं बोलता हूं बिल्कुल। बताओ भाई क्या होगा रेलगाड़ी शब्द का, रेलगाड़ी शब्द क्या है भाई, कौन सा शब्द है, अभी तक एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं है, सी होगा गुरुजी, सी गलत बता रहे, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी विदेशज शब्द नहीं है भाई, रेलगाड़ी स्वप्निल राउट का बिल्कुल सही आया भाई, एक बच्चे ने आंसर सही दिया अभी तक, एक ही बच्चे का आंसर सही आया, बाकी सभी बच्चे गलत दे रहे, अनिल कुमार का बिल्कुल सही आंसर आया, कुलदीप सिंह का सही आंसर आया भाई, बाकी गलत बता रहे, बाकी गलत बता रहे भाई, सी नहीं होगा, रेलगाड़ी जो शब्द है वो संकर शब्द है, कैसा शब्द है संकर शब्द है, और संकर शब्द कौन सा होता है जो देशज और विदेशज, मतलब देशी भाषा और विदेशी दोनों भाषाओं के मिक्स से बनता है, उसे क्या बोलते हैं संकर बोलते हैं। तो ये रेलगाड़ी जो शब्द है, ये रेलगाड़ी जो शब्द है ये क्या है, ये संकर शब्द है भाई, कौन सा शब्द है संकर शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया भाई, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तभी आप लोगों के सामने लेके आऊं, एक से दो बच्चों का आंसर सही आया बाकी सभी बच्चों ने गलत दिया है, आगे से गलत नहीं होना चाहिए, आगे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई आगे एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, क्या होगा रेलगाड़ी शब्द क्या है एक संकर शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने आ चुका है, अब देखो समास से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में किस प्रकार समास से क्वेश्चन पूछा है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोस्तों आपको बताना है कि वो कौन सा समास है जिसमें दोनों पद है प्रधान होते हैं, प्रथम पद और आगे का जो पद है दोनों पद भी क्या होते हैं प्रधान होते हैं, किस में होते हैं भाई, ऑप्शन है द्वंद्व समास में होते हैं, तत्पुरुष समास में होते हैं, द्विगु समास में होते हैं या बहुवीर्य समास में होते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता दोनों पद प्रधान है भाई, दोनों पद प्रधान है इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा ही आपको बताना किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। बताओ देखिए
अभी भी काफी बच्चे गलत बता रहे हैं, सी बता रहे, कुछ डी बता रहे, सही देने वालों की संख्या कुछ ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होते हैं? उनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? ए हो जाएगा बिल्कुल। जिनका ए आया है बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासें नहीं ली है, प्लेलिस्ट बना दी गई यूट्यूब पर मैथ रीजनिंग हिंदी जीके, वो क्लासें आप जरूर ले लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही उनमें लिए गए सारे के सारे, पूरे के पूरे 6 से 7 आपको ओल्ड पेपर भी मिल जाएंगे वहां पर। तो वो क्लासें आप जरूर लेना, इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, उनसे आपकी काफी अच्छी तैयारी होगी। आपको पता चल पाएगा कि कहां कहां से किस टाइप के और किस लेवल से ट्रेडमैन और ड्राइवर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने। अब देखो संधि से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, यह संधि से पूछा गया क्वेश्चन है भाई। प्रत्येक प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, प्रत्येक जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्या बताना है? संधि विच्छेद करके आपको बताना है। ऑप्शन है आपका प्रति प्लस एक, ऑप्शन बी आपका प्रति प्लस एक, ऑप्शन सी आपका प्रति प्लस यक, ऑप्शन डी आपका प्रत प्लस एक। प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना है, क्या बताना है? प्रत्येक का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना भाई, फटाफट बता दो भाई, बिल्कुल बता दो भाई, सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई, काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। प्रत्येक का संधि विच्छेद आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, बी बता रहे। देखो एक बच्चा है वो गलत बता रहा है, वो हर एक क्वेश्चन का गलत आंसर दे रहा है, गलत बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। राइट आंसर क्या होगा भाई बता दो फटाफट, अभी भी काफी बच्चे गलत बता रहे हो, ए बता रहे काफी बच्चे। सर 2000% बी होगा, बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रति प्लस एक, क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस एक हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जिन्होंने बी दिया है बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। अब देखो संज्ञा और सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं आपको इतना पता होता है कि हाँ सर संज्ञा से क्वेश्चन आता है, लेकिन आता किस टाइप से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये पूछा गया था कि जो पंडित शब्द है, पंडित से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, पंडित जो शब्द है उसकी भाववाचक संज्ञा बतानी है, क्या बतानी है? भाववाचक संज्ञा बतानी है भाई, क्या होगा पंडित का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ऑप्शन ए आपका पांडित्य, ऑप्शन बी आपका पंडिताइन, ऑप्शन सी आपका पठन, ऑप्शन डी आपका ये सभी। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा आपको बताना है भाई, बताओ देखे, इंपोर्टेंट है भाई, पूछा गया क्वेश्चन है। पंडित जो शब्द है उसका क्या बताना है? भाववाचक संज्ञा बताना है, क्या होगा भाई? बी बता रहे काफी बच्चे, पंडिताइन बता रहे। मेरे भाई विलोम शब्द नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्या नहीं पूछ रहा हूं? विलोम शब्द नहीं पूछ रहा हूं, ना ही मैं यहां पर लिंग पूछ रहा हूं आपसे कि आप लिंग बताओ, पंडित का लिंग क्या होगा, ठीक है, स्त्रीलिंग क्या होगा पंडित का, पुल्लिंग क्या होगा, ये चीजें नहीं पूछ रहा हूं। यहां पर मैं संज्ञा की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? संज्ञा की बात कर रहा हूं, और संज्ञा में भी भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं? भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा हूं। ये पंडित जो शब्द है इससे बनने वाले जो भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो देखो इसका राइट आंसर अभी तक एक बच्चे ने दिया है, अनिल कुमार ने, उसके साथ ही दीपांकर हिंदुस्तानी का बिल्कुल सही आंसर आया है, राधेश्याम बघेल का सही आया है, दीपांकर हिंदुस्तानी ने सही दिया। राइट आंसर होगा इसका ए, क्या होगा? ए होगा पंडित। देखो पंडित क्या है, पंडित क्या है? पंडित है वो भी एक संज्ञा है, वो भी एक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पूरी एक जाति, पंडित जो जाति है उस पूरी को, पूरी पंडित जाति को क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। तो ये पंडित क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और इसका भाववाचक संज्ञा होगा पांडित्य। जो पांडित्य मतलब जो पूजा पाठ करवाने वाले होते हैं, पांडित्य होते हैं, वो इसका हो जाएगा पंडित का भाववाचक हो जाएगा पांडित्य। राइट आंसर आपका ए होगा भाई, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिनका ए आया है बिल्कुल सही आया भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने। अब देखो क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण, इनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है? पिछले एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। देखो श्याम धीरे धीरे चलता है, श्याम कैसे चलता है? श्याम धीरे धीरे चलता है। इसमें जो धीरे धीरे शब्द है, जो धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या है भाई? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या फिर विशेषण है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताओ देखे।
श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें जो धीरे धीरे जो शब्द है वह क्या है, क्रिया है या फिर क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा भाई बता दो देखिए फटाफट। बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, बी होगा गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। देखो अभी भी कुछ बच्चे ए बता रहे, गलत बता रहे, राइट आंसर क्या होगा भाई, बी हो जाएगा, जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल सही है। देखो क्या हो जाएगा, क्रिया भी है और क्रिया विशेषण दोनों है, क्या है श्याम धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो चल रहा है, इसका मतलब इसमें क्रिया भी है, क्रिया भी है, कुछ कर रहा है काम, और विशेषता है, विशेषता क्या है श्याम की, कैसे चल रहा है वो, धीरे धीरे चल रहा है, तो इसमें क्रिया और विशेषण, क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिन्होंने बी दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर आया है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 है, और देखो कारक से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, किस टाइप से पूछे जाते हैं, बिल्कुल किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन देख लो, छत से ईंट गिरी, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, छत से क्या हुआ, छत से ईंट का गिरना, छत से ईंट का गिरना वाक्य में कारक पूछा है, इसमें कारक कौन सा कारक है भाई, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या फिर संप्रदान कारक है, क्या होगा भाई, छत से ईंट गिरी, क्या होगा छत से ईंट गिरी बताओ, देखे छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बता दो देखे फटाफट भाई। अभी भी काफी बच्चे ए बता रहे हैं, काफी बी बता रहे हैं, देखो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, क्या होगा ए राइट आंसर हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें अपादान कारक है, कौन सा कारक है भाई, अपादान कारक है, ए हो जाएगा, छत से ईंट का गिरना मतलब छत से ईंट का अलग होना, और अलग होने वाली कुछ भी आता है जैसे पेड़ से फल गिरा, ऐसे अगर अलग हो रहा है तो अलग होने वाला कारक कौन सा होगा, अपादान कारक होगा, क्या होगा अपादान कारक होगा, अलग हो रहा है गुरुजी बिल्कुल, अलग होना अपादान कारक याद रखना, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है, वर्ण से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था कि डे का उच्चारण स्थान होता है, जो डे हम बोलते हैं उसका जो उच्चारण का जो स्थान होता है वह कौन सा है भाई, ऑप्शन ए है नासिके, ऑप्शन बी आपका कंठोष्ठे, ऑप्शन सी आपका मूर्धन्य, ऑप्शन डी आपका कंठ तालव्य, क्या होगा भाई, डे हम बोलते हैं डे का उच्चारण स्थान कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 का पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बता दो देखे फटाफट, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते भाई, डी बता रहे डे बोला जाता है, डे आप सही तरीके से बोलेंगे डे तो आपको लगेगा कि हाँ आवाज है वो नाक से आ रही है, किससे आ रही है, नाक से आ रही है, किसने बताया, एक बच्चे का सही आंसर आया पंकज, पंकज का बिल्कुल सही आया गुरुजी, ए होगा डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, कंठ तालव्य नहीं होगा, डे डे यहां पर नासिके, डे एक तो केवल डे है ये आपका डे, अब यहां पर आप देख सकते हो ये एक मात्रा भी आपको दिख रही होगी भाई, ये हलंत भी आपको दिख रही होगी, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी क्या करना है ध्यान में रखना है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नासिके हो जाएगा डे, अगर आप ऐसे बोलेंगे डे तो आपको लगेगा कि नाक से आवाज आ रही है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नासिके, ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने आ चुका है, और देखो कवि और रचना, कवि और रचनाओं में से एग्जाम में क्वेश्चन भाई हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएसबी ट्रेडमैन ड्राइवर की कर रहे हैं, चाहे बीएसएफ ट्रेडमैन की कर रहे हैं, चाहे सीआईएसएफ ट्रेडमैन की कर रहे हैं, चाहे आईटीबीपी ट्रेडमैन की कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है भाई पिछले एग्जामों में, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है, उस कवि का नाम बताना है, ऑप्शन ए आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी आपका सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी आपका प्रेमचंद, ऑप्शन डी आपका मैथिली शरण गुप्त, किस कवि को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है भाई, बताओ देखिए फटाफट, बहुत अच्छी बात है,
बी बता रहे सुमित्रा नंदन पंत, काफी बच्चे बता रहे, कुछ सी भी बता रहे। देखो बिल्कुल बी जो बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। किसको जाना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है भाई, जिनका बी आया बिल्कुल सही आया है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने आ चुका है और बहुत बार ये ट्रेडमैन में पूछा गया भाई। हंधेरी नगरी, हंधेर नगरी के लेखक कौन है? हंधेर नगरी जो रचना है, जो रचना है उसके रचयिता कौन है भाई? हंधेर नगरी के लेखक कौन है बता दो देखिए फटाफट भाई। ऑप्शन ए आपका प्रताप नारायण मिसर, ऑप्शन बी आपका हरि कृष्ण प्रेमी, ऑप्शन सी आपका भारतेंदु हरिचंदर, ऑप्शन डी आपका राम कुमार वर्मा। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी के लेखक कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बता दो भाई फटाफट, 24 नंबर क्वेश्चन का बता दो। एक बच्चे का बिल्कुल सही आया भाई, फौजी पक्तियार इंदौर ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बाकी सभी एक दूसरे का देख के गलत बता रहे। नरेश भाटी का सही है, अमित का सही है, एस के सुनील का सही है, हेमंत का सही है। देखो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही दिया है। हंधेर नगरी, हंधेर नगरी जो रचना है उसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रीवियस में पूछा गया भाई, प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है भाई, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने। अब देखो क्रिया से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किस टाइप से पूछा जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल है वो कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं या फिर प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेना भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताओ भाई, बता दीजिएगा फटाफट। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े, क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? ए बता रहे हैं कुछ, बी बता रहे हैं। गोविंद यादव का बिल्कुल सही है, मायाराम का बूंदी बिल्कुल सही है, अशोक जाट बता रहा है ए। बताओ देखे फटाफट बता दो भाई। स्वप्निल राउत बता रहा है सर बी होगा, न्यू मोटिवेशन प्रो बी बता रहे, योगेश मेहता बी बता रहा है, बी राइट आंसर होगा बिल्कुल सही है। देखो बी राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, जिन्होंने बी दिया है उनका बिल्कुल सही है। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल किस पे पड़े? कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही है भाई। तो ये आज के 25 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं। फटाफट कमेंट करके बता दो कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। और अगर आपको अभी भी लगता है कि सर तैयारी वीक है, सिलेक्शन हर हाल में पाना है, बहुत मेहनत कर रहा हूं, 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहा हूं, सारे दोस्त सेलेक्ट हो चुके हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होता, बिल्कुल आप आइए हमारे बेस्ट एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर ट्रेडमैन और ड्राइवर के ही टारगेटेड बैच चलाए जाते हैं। और हाल ही में बीएसएफ ट्रेडमैन का आज ही आपका फाइनल सिलेक्शन आया है, रिजल्ट आया है। 250+ बच्चों का सिलेक्शन होना पिछले वर्दी बैच से अपने आप में काफी बड़ी बात है। टारगेटेड तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे कम समय में अच्छा स्कोर करेंगे। सभी बच्चों में हमने 80+ का टारगेट लेके ही बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं कि 80+ हर एक बच्चे का 80+ का स्कोर बढ़ना चाहिए, वही टारगेट लेके तैयारी करवाते हैं। अगर आपका टारगेट बड़ा होगा, आपका लक्ष्य बड़ा होगा, तो आप उसके आसपास में पहुंच जाएंगे भाई और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी दोस्तों सभी कोर्सों पर भारी ऑफर चल रहा है, चाहे आप एसएसबी ट्रेडमैन ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, सीआरपीएफ ट्रेडमैन ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, सीआईएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, सभी कोर्सेज पर भारी ऑफर चल रहा है। मात्र 399 रुपए मिलेगा, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासें, रिकॉर्डेड क्लासेस सारी एप्लीकेशन पे रहेगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और ये सब कुछ नए पैटर्न पर है। अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं भाई। बहुत अच्छी बात है।
काफी बच्चों ने, फौजी पंकज बता रहा सर 23 क्वेश्चन सही है, कल्पना 23 क्वेश्चन बता रहे हैं, अशोक जाट 22 बता रहा है, नीरज 19 बता रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी बच्चों के 20 प्लस का एग्रीगेट स्कोर जा रहा है, बिल्कुल। फौजी बता रहा सर 23 क्वेश्चन सही होगा, नीरज 19 क्वेश्चन सही हुआ है, अशोक जाट जोधपुर 22 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात है, 20 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी मेहनत और करें, आपका स्कोर है वो 22 23 नहीं 25 तक भी जा सकता है, हिंदी में 25 के 25 क्वेश्चन भी आप सही कर सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रेगुलर कोशिश कर रहे हैं, तो आप 25 में से 25 ही कर सकते हैं, अगर आप टारगेट लेके चलेंगे 22 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे हिंदी में, 22 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे रीजनिंग में, 22 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे मैथ में, अगर जीके आपका जितना भी हार्ड आया फिर भी अगर आप 15 क्वेश्चन भी सही करेंगे फिर भी आपका स्कोर है वो 80 प्लस चला जाएगा, 80 प्लस आपका स्कोर चला जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जा रही है। मैथ को दिन से डर लगता है, जिनको डर लगता है मैथ से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जा रही है मैथ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जा रही है, एक एक बच्चे का कंसेप्ट तैयार किया गया मैथ में, यहां पर आप मैथ पढ़ेंगे आपको मैथ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, और कल आप लोगों के लिए हो सकता है मैथ का प्रैक्टिस सेशन रहेगा, या फिर आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन का पूरा ओल्ड पेपर आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं यूट्यूब पे 7:15 पे कल शाम को, तो वो इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए रोज चलती है, आप वो प्रैक्टिस सेशन जरूर लीजिएगा, काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को होगा, डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन पे आ सकते हैं। दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।